तो दोस्तों, जिस बारे में मैं सोच रहा था और सोच के टेंशन ले रहा था, वो टेंशन हल हो गया। देखो, ये कफिल की औरत खाना लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये खाना मिल गया है। ये खाना लेकर आई है, तो ये खाना मिल गया मुझे। तो माउंटेन ड्यू लिया मैं, ये 2 रियाल का मिलता है, 40 रुपए का। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो दिन भर मैंने वही काम किया, मैडम को मैंने बैंक में छोड़ा, फिर अभी मदरसे छोड़ के आ रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्या ये दिखाऊं, मैं डेली तो ये दिखाते ही रहता हूँ। तो अभी अभी बैंक वाली मैडम का फोन आया है कि मेरे बैंक में आओ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आज देखते हैं कि क्या काम है, क्या क्यों बुलाई है, वो तो गाड़ी चलाने लगी है। तो आज का दिन देखते हैं हम लोग कैसा जाता है। तो आज दिन भर का रूटीन क्या देखेंगे, दिन भर तो गुजर गया, अभी शाम हो रहा है। तो देखते हैं बैंक वाली मैडम ने क्यों बुलाया, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ऐसे वीडियो में सऊदी का डालता रहता हूं, ताकि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलो देखते हैं बैंक वाली मैडम ने क्यों बुलाया बैंक में। तो चलो मैं सीधे आप लोगों से बैंक में मिलता हूँ। तो शाम के 4:18 हो रहा है और बैंक वाली मैडम बुलाई थी बैंक में। पता नहीं उसका गाड़ी खराब हो गया या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो हो सकता है सुबह आ गई होगी अपने हस्बैंड के साथ और शाम को अभी मुझे बुलाई है कि मुझे बैंक से उठा के घर पे छोड़ दो। तो अभी आया हूँ मैं, वो 4:30 निकलेगी, फिर इसको छोड़ के फिर कफिल के औरत को मदरसे से उठाना है। तो दोस्तों, 4:49 पे मैं छोड़ दिया मैडम को इधर, बैंक वाली मैडम को लाकर, और अब मैं जा रहा हूँ कफिल को औरत को उठाने मदरसे से। और शाम को 7 बजे फिर से इधर आना है, कफिल को औरत को साथ में लेकर जाएगी लोग यहाँ का मार्केट में, बरजान मार्केट। तो 5:01 हो रहा है और आ गया मैं मदरसे में। देख रहे हो, ये है मदरसा। तो अभी मैं कफिल को औरत को यहाँ से उठाकर घर पे पहुँचा देता हूँ, फिर अपने रूम पे जाऊँगा। 2 घंटा रेस्ट करना है, 2 घंटा क्या कम ही, फिर 7 बजे आना है इधर ही। हाँ, तो दोस्तों, कफिल की औरत को पहुंचा दिया मैं इसके घर पे। वो जो कुछ दिन पहले मैं लाया था संतरे वगैरह, तो वो जो ट्रे था वो ट्रे खाली हो गया है, तो ट्रे खाली करके दी है इस घर में पहुंचाने के लिए। तो अभी इधर पहुंचा देता हूँ, फिर रूम पे चलता हूँ। तो देखो, ये वाला मकान है और ये संतरे वगैरह जो ले गया था वही ट्रे है। तो ये खाली हो गया, तो ये लौटाना है इसमें। अभी मैं लौटा के चलता हूँ अपने रूम पे। तो दोस्तों, दे दिया वो ट्रे को, यहाँ पे संदूक बोला जाता है, तो संदूक दे दिया। मैं निकल रहा हूँ रूम के लिए, फिर वहाँ से 6:50 पे निकलूँगा इधर कफिल के घर पे आने के लिए। हाँ, तो दोस्तों, 6:50 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ कफिल के घर पे। वो जो बुलाई थी मैडम, देखते हैं मार्केट में जाती है तो कब लौट के आती है। आज खाना भी बनाना है, अगर ज़्यादा लेट होगा तो खाना नहीं बनाऊंगा। जल्दी ख़त्म होगा तो खाना बनाऊंगा, नहीं तो रहने दूंगा, कुछ होटल से लेके खा लूंगा या फिर अंडा रोटी अपना, वही रेगुलर वाला। तो देखो, 6:51 हो गया, चलो जल्दी से चलते हैं। तो दोस्तों, आ गया मैं घर के बाहर। अब यहाँ से कफिल की औरत को उठा के ले जाऊँगा इसकी बेटी के घर पर, बैंक वाली के घर पर। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है नगरा में, उधर ही मामा का रूम है। तो मामा के रूम पे तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैडम लोग रहेगी, लोग वो उधर से जाएगी मार्केट में। तो आप लोगों को मार्केट मैंने कई बार दिखाया है पुराने वीडियो में, आप लोग पहचानते होंगे, बरजान मार्केट जो कि लेडीज मार्केट है। वो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि लेडीज लोग रहती है लोग। ये देखो, ये हाल फिलहाल में ये घर बना है, कितना सुंदर बना है घर। हाँ, तो दोस्तों, 8:13 हो रहा है, मैंने मार्केट में छोड़ दिया मैडम लोगों को, इधर ही खड़ा रहूँगा, इधर पार्किंग ढूंढ रहा हूँ मैं, इधर ही खड़ा रहना पड़ेगा। अब उन लोगों का मार्केट ख़त्म होगा तो फिर बुलाएगी लोग। तो इधर एक गली में घुसा हूँ, ये गली इतना ख़राब है, पर ये है कि है इधर जगह बहुत है गाड़ी खड़ा करने के लिए, मार्केट में तो उधर कुछ भी नहीं है। खड़ा कर लिया मैंने, देख रहे हो, ये पूरा एक शांत एरिया, सुनसान इलाका है,
यहीं पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अंधेरे में आप लोगों को नहीं दिखेगा, पर ये खंडर है एक, मैंने एक वीडियो बनाया था वो आप लोगों को दिखाऊंगा, टिकटॉक पे बनाया था मैंने। इंडिया जाने से पहले रमजान में आई थी मैडम इधर ही, तो उस टाइम शाम को आई थी, तो शाम को मैंने यहाँ पे वो वीडियो बना लिया था। अभी तो देख रहे हो कितने बजे रात को आई है लोग, 8 बजे आई है लोग, अब पता नहीं कितने बजे यहाँ से जाएगी लोग, देखते हैं। तो दोस्तों जिस बारे में मैं सोच रहा था और सोच के टेंशन ले रहा था वो टेंशन हल हो गया। देखो ये कफिल की औरत खाना लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये खाना मिल गया है। ये खाना लेकर आई है, तो ये खाना मिल गया मुझे, इधर से जाके सिर्फ खाना ही होगा। तो अभी तो गर्म है, अब यहाँ पे बैठे बैठे ठंडा हो जाएगा, तो रूम पे जाकर फिर दोबारा गर्म करके खा लूँगा मैं। देख रहे हो दो टाइम चल सकता है ये खाना। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, या फिर आप मेरे पुराने व्यूअर नहीं होंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैडम को मैंने खूब सुनाया था खाना नहीं खा पाया था, तो तब से सुधर गई है लोग, तब से जानती है लोग कि ये लोग भी खाना खाते हैं। तो जब भी कहीं दूर जाना होता है या फिर लेट रहता है ड्यूटी करने में लेट होगा, या फिर कहीं मार्केट जाएगी लोग वहाँ लेट होगा, सबसे पहले खाना लेकर आती है लोग साथ में, क्योंकि जानती है लोग। मैंने बोला था, डांटा था कि इतने रात तक काम करेंगे, फिर अभी जाएंगे खाना बनाएंगे फिर खाएंगे, तब कब सोएंगे कब सुबह उठेंगे, तो तब उनके भेजे में घुसा था। जब से मैंने उसको सुनाया है तब से सुधर गई है लोग, जब भी कहीं लेट होता है तो खाना साथ में लेकर आती है लोग। तो आज लेट होने वाला है जरूर, तभी यही खाना लेकर आई है लोग। तो देखते हैं कितने बजे निकलती है ये लोग यहाँ से, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हाँ तो दोस्तों 9 बजे अभी फोन आया है कि खत्म हो गया, अब वहाँ पर मस्जिद की तरफ बुलाई है लोग, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ से उठाकर, अब देखता हूँ कहाँ जाती है लोग। हाँ तो दोस्तों 9:51 हो रहा है, अभी आया मैं कफिल के घर के बाहर हूँ, वहाँ से मार्केट से पहले बैंक वाली मैडम को छोड़ा, फिर उसको छोड़ के ये कफिल की औरत को लाकर छोड़ा इधर में। और ये देख रहे हो ये बुढ़ी कभी नहीं सुधरेगी, इतनी ठंडी में खिड़की खोल दी है, गर्मी में खिड़की खोल के गर्म कर देती है और ठंडी में खिड़की खोल के ठंडी कर देती है, पता नहीं क्या मजा मिलता है इसको से खिड़की खोल के चलने में। और बहुत ही तेज भूख लग गया है, देख रहे हो 10 बजने वाला है, और जब से मैं दूसरी पारी में आया हूँ मैं 8-9 बजे खाना खाकर अपना रेडी हो जाता हूँ सोने के लिए। पहले मैं 12 बजे खाता था, जब 5 साल में रहा था तो मेरा 12 बजे 1 बजे तब मैं खाना खाता था, और अभी इस बार आया हूँ तो मैं 8-9 बजे खाना खाकर इस रूम में रेडी हो जाता हूँ, अपना थोड़ा बहुत मोबाइल देखता हूँ और सो जाता हूँ। तो अभी बहुत ही तेज भूख लग गया है, अभी जाकर सीधे गर्म करके खाना खाऊंगा। तब से मैं सऊदी आया हूँ ये दूसरी बार, 2 महीना हो गया, 2 महीने से ऊपर ही हो गया, और आज पहली बार रात में ड्यूटी करने निकला था मैं 8-9 बजे, तो मैं कहीं पे भी जा रहा था तो खो जा रहा था। ये सब लाइट देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि उलझन हो जा रहा था, जाना चाहता था कहीं और चला जाता था कहीं और, तो मैं एक जगह खो गया था। वो बैंक वाली मैडम बोली थी कि घर चलो मेरे, मैं उसके घर पे जाके उसके गली में ही खो गया हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, तब वो बताई कि इधर से राइट लेफ्ट करके ले गई। तो 9:58 हो रहा है, अभी आ गया मैं अपने रूम पे, जा रहा हूँ सुपरमार्केट से एक पेप्सी लेने, ये खाना पेप्सी से खाने में मजा आएगा। तो माउंटेन ड्यू लिया मैं, ये 2 रियाल का मिलता है 40 रुपये का, इंडिया में था ये पीता था मैं तो 18-20 रुपये का मिल जाता था आराम से कांच वाला। तो एक ये बिस्कुट ले लिया अभी से ही सुबह नाश्ता करने के लिए, और ये एक ड्यू लिया, सुबह जाना है 8 बजे निकलना है इधर से, तो रास्ते में ही नाश्ता करते हुए जाऊंगा बिस्कुट, नहीं तो कल भी भूखे रहना पड़ जाएगा, क्योंकि बैंक वाली को छोड़ के फिर मैडम को जाना पड़ेगा वो हॉस्पिटल छोड़ने, 10-11-12 उधर ही बच जाएगा। तो अभी हमारे रूम पे बंगाली भाई नहीं है, मैं ही आया अकेला, अभी खाना गरम करने के लिए रख देता हूँ, ये रह गैस, अभी चूल्हा लगाना पड़ेगा, देखो खाना गरम कर लेता हूँ। खाना गरम होने के लिए रख दिया मैंने, अब देखो
अब देखो 10:07 हो रहा है। सोचो अब मैं आता खाना बनाने के लिए बकाले में, सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाता, फिर खरीद के लाता, काटता पीटता, बनाते बनाते 11-12 बज जाता, फिर खाते खाते 1 बज जाता। आप लोग देखते ही हो खाना बनाने में 2 से 1.5 घंटा तो लगता ही है, और खाते खाते 2 घंटा तो हो ही जाता है। चाहे कुछ भी खाओ, अंडा भी खाओ तो 1 घंटा लग ही जाता है। ऐसे ही एक बार की थी तो मैंने उसको बोला था, तो घर पे बताई होगी, तो इसलिए खाना पहले ही दे दिए। अभी गर्म करके खा लूंगा, दोपहर में कल देखा जाएगा, कुछ भी खा लेंगे। अंडा है, अंडा बना के खा लूंगा या फिर कुछ और खा लूंगा, देखेंगे दोपहर में क्या होता है। हाँ तो दोस्तों खाना गर्म हो गया अपना, देख रहे हो ये रहा चिकन, और इसको यहाँ का बिरयानी समझ लो। तो अभी खाने खाने जा रहा हूँ मैं, और लोग भी आइए खाने के लिए। हाँ तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही था। अब कल के ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा फुल डे का रूटीन। बैंक वाली मैडम को बैंक में छोड़ना है, और वो हॉस्पिटल वाली मैडम को हॉस्पिटल में, और जो कफिल की औरत है उसको मदरसे में। तो कल कितना काम होता है, मैं कल आप लोगों को पूरा फुल ब्लॉग दिखाऊंगा, तो वो वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा आप लोग, मिस बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ऐसे ही सऊदी का डेली ब्लॉग मैं डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर डिटेल मिलता रहे कि सऊदी में हम लोग काम कैसे करते हैं और कैसे रहते हैं, क्या खाते कैसे खाते हैं, सब डिटेलिंग आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोग भी अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके। तो चलो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वसलाम, टेक केयर।